दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज्जू की बिजनेस आइडियाज में। आज हमारी विजिट है निर्मल डेयरी फार्म जो करनाल हरियाणा में है। तो पूरा एड्रेस हम फार्म के ऑनर साहब से खुद जानना चाहेंगे। ये देख सकते हैं पूरा फार्म। तो चलिए बात करते हैं फार्म के ऑनर साहब से और जानते हैं यहाँ का इस फार्म के मैनेजमेंट के बारे में। सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल इज्जू की बिजनेस आइडियाज में। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम निर्मल है और ये निर्मल डेयरी फार्म है। पूरा एड्रेस बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो। विलेज बराना खालसा जी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा। तो ये फार्म कब से आप चला रहे हैं सर? मैं ये फार्म 2016 से चला रहा हूँ। तो यानी 3 साल हुए इस फार्म को स्टार्ट करके। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था जी। 9 साल नौकरी छोड़कर फार्म पे आए। कैसा लग रहा है सर फार्म में आकर? ठीक लग रहा है। फार्म मैं ये जो देख पा रहा हूँ बहुत ही हाई फाई बनाया गया है, जैसे हर गाय खुली रखना, क्यूबिकल का सिस्टम, मट्टी पे रखना और जो जब चाहे पानी पिए, जब चाहे खाए। ये पहले ही सोच लिया था आपने सर या फिर पहले कहीं और था और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया है? ये काफ़ी विजिट किए फार्म जी, जी स्टडी की जी। तो जब कंस्ट्रक्शन की जी जी फार्म बनाया तो उसमें सबसे पहले ये काउ कंफर्ट को ये ध्यान में रख के बनाया गया। अच्छा, काउ बढ़िया से रह पाए उसको सोचकर ही आपने इस फार्म को बनाया। तो फर्स्ट टाइम यहीं पे बनाया गया है? नहीं, पहले भी थे कहीं पर, पहले कहीं और फार्म थे। नहीं, आपके फार्म मैं पूछ रहा हूँ ये। हाँ, हमारे आपने जब कंस्ट्रक्शन यहीं पे शुरुआत की फार्म यही है? पहले यही बनाया, यही बनाया। कुछ बहुत ऐसे फार्मर हैं जो फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है उनसे। आपसे भी कुछ ऐसा लग रहा है सर कि इस फार्म पे भी कुछ गलतियां हुई है या हमने सही बना लिया है? नहीं, सही बना लिया है मैंने। ये नहीं है कि जैसे कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे या कुछ जी, किया जी, और फिर एकदम फार्म बना दिया। ऐसा नहीं किया आपने? किया है, 2-3 साल काफ़ी सर्च किया है फार्म्स पे, घूमा हूँ जी जी, तब जाके हर चीज़ देखी है उन फार्म्स में, उनकी कमियाँ भी देखी, बेनिफिट्स भी देखे जी। तो फिर बाद में फार्म बनाया है तो इसमें हमारे हिसाब से अभी हमें कोई कमी नहीं है। मतलब आपने सिर्फ YouTube के भरोसे नहीं रहा, हर फार्म पे भी विजिट किया, लगभग 1-2 साल तक के आपने इसमें टाइम सोचने का लिया, ये कह सकते हैं? 2 साल तक सोचने के बाद 2 साल लगाए हैं। 2 साल घूमे हैं फार्म्स पे, घूमे हैं, फार्म देखे हैं जी जी, फार्म्स में देखा है कैसे काम हो रहा है, क्या ऐसा हर चीज़ को एक बारीकी से देख के फिर जाके फार्म किया। ऐसे फार्म नहीं किया, डिसीजन लेने के बाद फिर 2 साल सर्च किया है, जो फार्म कामयाब थे वो देखे, जो फार्म लॉस में जा रहे थे वो देखे, उनके कारण देखे क्यों जा रहे हैं लॉस में जी जी। तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक कारण था जी, जो बोल देते थे, जो बोलते हैं कि फार्म लगाते हैं तो हम ज़्यादातर फार्मर्स को बोला जाता है जी जी, बिल्डिंग पे पैसा मत लगाओ जी। अब मैं बोलता हूँ बिल्डिंग पे पैसा वैसे फिजूल खर्च मत करो, पर जो चीज़ रिक्वायरमेंट की है, जो काउ कंफर्ट के लिए ज़रूरी है जी जी, उस पर पैसा लगाओ। वो कंफर्ट जरूरी है, करती है कंफर्ट, काउ कंफर्ट का ध्यान रखो जी जी, फिर देखो कि वो कम पैसे में कैसे बनता है। ये नहीं कि पैसा भी ना लगा, ये बिल्डिंग पे पैसा ही ना लगाए, जो चीज़ ज़रूरी है वो लगाइए, उसमें पैसे बचते हैं। शुरू में लग जाता है पैसा जी, पर आपको 2 साल के बाद आप खुद फील करोगे कि हमने पैसा ज़्यादा नहीं लगाया, हमने कम लगाया था। और ज़्यादा लगाया जा सकता था? नहीं नहीं, मतलब आप ये सोचने में ऐसा फील होगा कि और बढ़िया बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं नहीं, हमने ठीक बनाया है। नहीं, मेरा मतलब मेरा कहने का मतलब ये था सर कि जैसा आपने कहा कि 2 साल बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने जो पहले पैसा लगाया फार्म पे ये बढ़िया किया। हाँ, ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने पैसा मेरा इन्वेस्ट किया? आदमी को महसूस होता है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया जी जी, वो गलत नहीं होता। अगर 2 साल बाद अच्छा लगता है, वो 2 साल के बाद हमें महसूस होता है कि हमने पैसा ठीक लगाया था, ठीक लगाया था। उस पे पैसे 2 या 3 साल में रिकवर हो जाते हैं अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो तो जी। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अगर कोई इस तरह का फार्म बनाना चाहता है तो उनको कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना सोचना चाहिए कि इतना में हो जाएगा, एक अंदाजन बता दीजिए ताकि जो लोग करना चाहें। उस टाइम हमारा 200 रुपये स्क्वायर फीट खर्चा आया था एक फार्म को बनाने में जी, जिसमें हर चीज़ आ गई थी, कंस्ट्रक्शन भी जी, क्यूबिकल्स भी आ गए थे, फैंस भी आ गए थे, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी, सब कुछ। तो एक मिनिमम कितना खर्च किया गया होगा? हमने इस पे 40 लाख रुपए के करीब लगाया था, लगभग 40 लाख रुपए शुरू में लगाना पड़ा। 40 लाख गाय छोड़कर जिसमें ये सब फर्श वगैरह सभी आ गए, A to Z फर्श आ गए, वाटर ट्रफ आ गई, क्यूबिकल आ गए, सब कुछ आ गया था, सभी सभी चीज़ इनके
रहने का इंतजाम पूरा कर लिया गया था, पूरा कर लिया गया था। कितना जमीन होगा इनका ये पूरा जो मैं चारों तरफ देख पा रहा हूँ? अगर हमें शेड के अंदर जगह देनी है जी जी, अगर आप क्यूबिकल के साथ जगह दोगे जी जी, तो आप 80 स्क्वायर फीट एक गाय को देके अपना काम चला सकते हो बड़े आराम से, 70 से 80 फीट के बीच में, 70 से 80 स्क्वायर फीट। अगर आप क्यूबिकल नहीं लगाते जी जी, और इसको एक इसराइल टेक्निक के हिसाब से हम लगाते हैं, तो फिर हमें एक गाय को 200 स्क्वायर फीट जगह देनी होगी। अगर हम पूरा फार्म लगाते हैं आउटसाइड की बाहर के अंदर की सारी जगह देख के, तो एक एनिमल कम से कम 200 स्क्वायर फीट जगह हमें देनी जरूरी है, उनको तो चाहिए 200 स्क्वायर फीट। काम ठीक प्रकार से रह पाएंगे, गांव को कंफर्ट में रख के अपना काम कर पाएंगे जी। वैसे आप काम चलाना है तो आप 40 स्क्वायर फीट में भी काम चला सकते हो, पर वो गांव कंफर्ट नहीं कर पाएंगे उसमें। तो मैं समझता हूँ सर कि आप एक नए फार्मर हैं, क्योंकि 3 साल कोई माने नहीं रखता, ब्रीडिंग पे काम करने में तो 5-6 साल लग जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपने शुरू में जब आपने गाय खरीदी, फार्म बना लिया, फार्म बनाने के बाद गाय तो आपको लोकल में मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया ब्रीड में मिल जाती है। होता है कि लोकल में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, गायें वो आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको गायें किसी छोटे बाड़े में, किसी के बाड़े में भी मिल सकती है, और फार्म पे भी मिल सकती है, मंडी में भी मिल सकती है। आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप अच्छी गायें कहाँ से लेते हो। मेरे हिसाब से मंडी से तो मैं नहीं लेके आया, एक दो गायें लेके आया, वो अच्छी नहीं रही। अच्छा। सबसे बेस्ट रही मेरी जो हमने गायें फार्म में, मैंने लोकल भी खरीदी है, मैंने बाहर से भी खरीदी है, जितनी जो एनिमल्स मैंने फार्म से खरीदे हैं, वो किसी भी फार्म से लिए हैं, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। यानी फार्म से खरीदना चाहिए, हमें जो एनिमल्स खरीदने चाहिए, हमें वो देखना चाहिए कि वो हम फार्म से खरीदें, और फार्म भी ये देखना चाहिए कि वो फार्म किस तरह के फार्म का, जो फार्म सेट हैं, जिनकी जो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि फार्म ज़्यादातर ब्रीडिंग पर काम करते हैं। फार्म्स पे क्या होगा, अगर मैं 100 एनिमल्स का मैं फार्म करता हूँ, मेरे एनिमल कंप्लीट हैं जी, तो मैं अच्छे, वैसे तो कोई आदमी सबसे अच्छे अपने एनिमल्स नहीं देता, तो फार्म क्या होता है, एक फार्म का लेवल होता है, फार्म खुद ब खुद हो जाता है भाई, उसमें एनिमल अच्छे आते रहते हैं, तो और उस फार्म से जो मेन इनकम सोर्स है वो एनिमल बेच के ही है, और वो फार्मर के ब्रीडिंग पे जो काम कर रहे हैं। हाँ, और कोई भी फार्मर अपनी गायें को हल्का या एआई टिक्का नहीं लगवाता जी जी, क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा उसके फार्म पे रहेगा और कौन सा जाएगा, नहीं जाएगा। सही बात, ब्रीडिंग में सबको बढ़िया टिक्के लगवाते हैं, और जो नहीं लगाते फार्मर, मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि एआई कभी भी हल्के इंजेक्शन से मत करें, हल्का टिक्का मत लगाएं। अगर आप हल्का टिक्का लगाओगे तो उसमें आपका लॉस है। अच्छा, आपने शुरू में अगर फार्मर सोचते हैं, जैसे जी एक गाय है, वो 2 बार या 3 बार हमने उसको टीका लगवा दिया, वो रिपीट कर गई जी, तो कोई बोलता है इसको सांड से करवा दो, अगर अच्छा सांड है तो करवा दो, कोई फिर वो करते हैं कि इस पर सिमन हल्का यूज़ कर लो, ये नहीं सोचते। मान लो हमने एक 400 रुपये की 500 रुपये की 1000 रुपये की स्ट्रॉ आती है जी जी, हम गाय को वो लगा रहे हैं, गाय रिपीट कर गई जी, हमने उसको 20 रुपये वाली 30 रुपये वाली कोई हल्की स्ट्रॉ लगा दी और वो उसमें कंसीव कर गई जी, उसका जो बच्चा आएगा वो तो 2 साल में तैयार होगा ना। हाँ, बराबर, फिर लॉस तो हो गया। वो जो हमें 80,000 की 1,00,000 की जो हमें गायें तैयार करनी थी जी, वो तो हम 50,000 वाली तैयार कर रहे हैं, फिर तो आप वो लॉस देखिए, वो 50,000 का लॉस है। कभी भी एआई में टिक्का हल्का मत लगाएं। शुरुआत में आपने कितनी गाय लाई थी? शुरुआत में मैं 30 गायें लाया था। 30 गाय आपने खरीद लिया था? मैंने अपनी हिफर से तैयार की हैं। अच्छा, 30 गाय लाए, उसमें सभी गाय बढ़िया से रह गई थी, उसमें कुछ लॉस भी हुआ? 90% एनिमल अच्छे रहे थे, क्योंकि लाइफ स्टॉक है, एनिमल अच्छे लिए थे। लाइफ स्टॉक में हो जाता है कि आने के बाद भी पशु बीमार हो जाता है। अच्छा। कई बार लोग इस धोखे में रह जाते हैं कि हमने कहीं से एनिमल लिया और वो यार हमें तो किसी ने लूट लिया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी फार्म से गायें लेके आओगे, वो उस फार्म का मैनेजमेंट का लेवल देखिए जी, जी। उसके बाद अगर आपका अच्छा रहा, मेरे पास 75% मेरे एनिमल ऐसे रहे कि मैं अगर किसी से 20-25 किलो का मैंने एनिमल लिया है, तो मेरे पास आगे उसने 30 लीटर दूध दिया, 35 लीटर दूध भी दिया, 50 लीटर तक भी हम लेके गए हैं। 75% एनिमल हमने ऐसे लिए हैं कि हम जहाँ से खरीद के लाए वहाँ पर दूध कम था, हमारे फार्म पर दूध ज़्यादा हुआ। लगभग कितने लीटर मिल्क की कैपेसिटी वाली आपने खरीदा? मेरा मेन तो उस टाइम शुरू में जब फार्म किया था तब तो ये था कि 25 लीटर प्लस ही लेनी है, पर अब ली तो वैसे हमने 30+ थी, पर 25 हमारा बॉटम लाइन थी। अच्छा, और अगर हमने कोई 25 वाली भी ली थी तो वो 32, 34, 35 तक भी चली गई थी, 40 तक भी ले गए थे। अच्छा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेन रोल आपकी मैनेजमेंट का है, आप फार्म पे अपने एनिमल्स को कैसे रखते हो, उनका न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखते हो, उनको कैसे खिलाते पिलाते हो। जी जी, HF है, दूध दे देगी जी, आपके हाथ में है आप कितना लेंगे। अगर आप 50 लीटर वाली भी गायें लिया हो किसी से जी, और आप उसकी अच्छी तरह मैनेजमेंट ना करो, उसको मेंटेन ना करो उसकी डाइट को,
आपको 50 लीटर वाली भी आपको लॉस दे देगी, वो 20 लीटर पे आ गई, 20 लीटर पे आ जाएगी। सही बात। तो इनको 3 साल में तो आपको, मैं समझता हूँ कि काफ़ी नॉलेज हो गया है, गाय खरीदने की बात हो या फिर उनको मैनेजमेंट की बात हो, क्या क्या एस मैनेजमेंट कर रहे हैं सर? तीन लाइन में मैं बताना चाहूँगा, मुझे 3 साल नहीं हुए जी, जी लाइन में मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, मेरा शौक था शुरू से, 7-8 साल हो गए हैं जी। फिर जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब पे था तो उस टाइम डिसीजन लिया, घूमते रहते थे सर से, 2012 में शुरू कर दी थी मैंने फार्म, 2012 में ये डिसीजन हो चुका था कि फार्म करना है, तो हम कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, देख रहे थे, 2000